हाँ सर, बूस्ट हुआ। ये CPU का आपको बूट किसने दिया, मतलब ये जो बूट था सर ये हम लोग ने बताइए। अच्छा, डबल डेकर CPU उठाया, हाँ रिवॉल्व किया, फिर बैठाया आप। मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। सर कौन आया, वेस्ट बंगाल। ओके, आप कोरोना, आप मुझे बताओ वेस्ट बंगाल से इतनी दूर जबलपुर क्यों। सर मैं और मेरा दोस्त सत्या, अच्छा हाँ, खुद सीखना चाहते हैं। अच्छा, मैं खुद सीखना चाहती हूँ इसलिए। तो आप लोग साथ में काम करते हैं क्या? हाँ सर। तो आप लोग क्या काम करते थे पहले? फोल्डर, क्या काम करते थे मतलब इससे पहले? सर फोल्डर चेंज करना, ये सब कनेक्टर चेंज करना। आपने IC पे काम किया है, बोर्ड पे कभी काम नहीं किया? क्योंकि ये क्यों नहीं सोचा कि YouTube से ही देखकर सीख लेता हूँ, सब YouTube में डला हुआ है। YouTube कितना भी देखा है सर, कुछ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं सर। तो फिर ऐसा क्यों सोचा है कि एशिया टेलीकॉम ही जाना है, बाकी सब इंस्टीट्यूट भी तो है ना इतने सारे, तो हमारे यहाँ क्यों आए? नहीं सर ऐसे ही बात नहीं है, यहाँ पे डिग्री नॉलेज मिलता है इसलिए। ये आपने पता किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस तारीख को आए थे आप यहाँ पर? सर हम 24 तारीख को आए। 24 जुलाई, आज क्या तारीख है सर? 24 अगस्त। आप तो लगभग एक महीना हो गया। पहला क्लास आपका 27 जुलाई काउंसलिंग और 28 से आपकी रेगुलर क्लासेस चालू हुई थी, जिसमें आपने फर्स्ट डे रिबॉलिंग चालू किया था, याद है? आज आपने क्या किया, लास्ट डेट है आपका? सर आज डबल डेकर CPU किया, रिवॉल्व आपने खुद से किया है। हाँ सर, जो हमने बोला कि हम डबल डेकर आप सबको बोलेंगे और सबको करवाएंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबने किया है। तो हमको भी लगा कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि डबल डेकर CPU एक लोगों के दिमाग में हुआ है कि वो एक वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पर जब हमने देखा कि आप सब कुछ तो कर ही चुके हैं, आप नॉर्मल CPU रिवॉल्व कर चुके हैं, आप नॉर्मल CPU लाइव लगा चुके हैं, फिर आप पेस्टेड IC निकाल चुके हैं, तो बचा क्या फिर? लास्ट तो डुअल डेकर ही बचा ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको डुअल डेकर देकर दिया जाए। तो ये सही था हमारा फैसला, बिल्कुल। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बूस्ट हुआ। ये CPU का आपको बूट किसने दिया, मतलब ये जो बूट था सर ये हम लोग ने दिया। यहाँ पर पढ़ाने का, टीचिंग का तरीका कैसा था? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक है। दुकान जैसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिया, ये डायरेक्ट IC उठा दो, नहीं हुआ तो फिर बोर्ड चेंज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपके वहाँ से कोई नया स्टूडेंट या आपका दोस्त सीखने आया तो क्या बोलोगे आप? सर इस फील्ड में कोई कुछ सीखना चाहते हो तो ये आप बताना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमें एक स्टूडेंट है सत्या। सत्या कहाँ से? सर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल, सत्या वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो आप? सर साउथ 24 परगना, जयनगर। ठीक है, तो आप ये बताइए जबलपुर क्यों, एशिया टेलीकॉम क्यों? सर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात। लाइफ में आप कितनी उम्र के हैं आप? सर 26 के हैं और आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। 26 साल में मैंने कितने लोग देखे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि शाम को क्या करना है, हाँ और आप लाइफ में करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले सत्या क्या करते थे? सर ये छोटा मोटा काम करते थे, मोबाइल रिपेयरिंग का, वही क्लीन करते थे, फोल्डर चेंज करते थे, चार्जिंग CC चेंज करते थे। सत्या को अगर एक मोबाइल दे दिया जाए और लोगों पर हो और उससे बोले कि पावर निकाल के चालू कर दे, तो सत्या कर सकता है क्या? हाँ सर, सत्या से अगर बोला जाए कि एक पावर IC इसका बताओ कि सही है कि खराब है, हाँ सर वो बोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ सर, तो पूरा डायग्नोसिंग सिखाइए कि यहाँ पर। हाँ सर, आज क्या तारीख है सत्या? आज के 24 अगस्त। आप कब आए थे? मेरा आप कब आए थे यहाँ पर? 24 जुलाई। तो मैं एक महीना हो गया। आज आप पहले दिन आपने आया था, तो आपने 28 तारीख को रिबॉलिंग क्लास अटेंड की थी। हाँ आज आपने क्या किया बताइए? आज डबल डेकर CPU उठाया, हाँ रिवॉल्व किया, फिर बैठाया। आपने डबल डेकर CPU आपने खुद से किया? हाँ सर। तो वो आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर चीज जब तक हम करेंगे नहीं हमको बनेगा नहीं। और सही तरीका करने वाले तो सर YouTube में तो कितने वीडियो डले हुए हैं, तो वो देखकर क्यों भी तो कर सकते थे ना। हाँ सर, वो फेक है, फेक तो नहीं बोलेंगे, पर ये है कि वो तरीके सही नहीं है। ठीक है, सो मैं ये बोलूँगा सत्या कि आपका कोई दोस्त अगर सीखने आया तो वो क्यों आए? सर वो डीपली नॉलेज चाहिए तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं सर, और लाइफ में आगे में बढ़ना चाहिए तो एशिया टेलीकॉम। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो अभी जस्ट डबल डेकर CPU की अभी आपकी जल्दी है। तो आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर CPU कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिवॉल्विंग बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस इंस्टेंस से किया आपने? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, और वो भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना डुअल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा डुअल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने डुअल डेकर किया। सर डुअल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे #1 इंस्टीट्यूट AsiaTelecom। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।